नमस्कार दोस्तों, मेहनत कभी जो है बेकार नहीं जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि हमारी जो है एक एनजीओ के साथ मिलकर राइडर्स की प्रॉब्लम के लिए मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग के अंदर दैनिक भास्कर की पत्रकार पूनम कौशल जी आ रही हैं। पूनम कौशल जी ने हम सभी राइडरों की बात को जो है काफी गंभीरता से लिया और उसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आज ही दैनिक भास्कर के अंदर प्रकाशित करी है। आप भी उनकी पूरी रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दे दिया है। अब देखिए, मुद्दा उन्होंने भी उठाया है और हम भी उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी उठाएंगे। इसीलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जहां पर सभी राइडर्स अपनी परेशानियों को बयां कर सकते हैं। जी हाँ, हम नहीं चाहते हैं या कोई भी राइडर नहीं चाहता है कानून को तोड़ना, परंतु हम सभी राइडरों के सामने मजबूरी ऐसी हो गई है क्योंकि रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। घर के अंदर हर किसी राइडर की जो है 4-5 सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का पूरा खर्चा जो है बाइक राइडर इस बाइक के द्वारा ही चला रहा था। अधिकतर राइडर्स की बाइक की किस्तें जानी बंद हो गई हैं, स्कूल में बच्चों की फीस जानी बंद हो गई है, घर में जो है रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हम किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग भी नहीं करते हैं और ना ही हम विरोध करते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि हम मेहनत के साथ अपने परिवार को पाल सके और उसके लिए जो है हमें आप सभी पार्टियों से, आप सभी राजनीतिक दलों से उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ दें, हमें एक राह बताएं जहां पर हम कानून का उल्लंघन ना करें बल्कि कानून के द्वारा ही हम बाइक टैक्सी को चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। अभी कल की ही एक रिपोर्ट के अंदर हमने देखा कि रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था कि दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया है कि 250 के आसपास जो है वो राइडर्स के चालान कटे हैं। जी हाँ, देखिए आप, 250 राइडर्स अब चालान के बाद चुपचाप घर में बैठे हैं। उनके परिवार को आखिरकार कौन संभालेगा, कौन उनके परिवार का खर्चा देगा? दिल्ली गवर्नमेंट के लिए ये 250 के आसपास जो आंकड़ा है ये बहुत ही कम उनको लग रहा होगा, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर 250 के पीछे जो है उनकी जो फैमिली है उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 1000 लोग जो है इफेक्ट में आ गए हैं। और इस चालान को देखकर, इस रिपोर्ट को देखने के बाद न जाने कितने राइडर डर के मारे घर के अंदर ही बैठे रहेंगे। उनकी फैमिली का आखिर होगा तो होगा क्या? अब हम आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहते हैं जो पूनम कौशल जी के साथ हमारी और हमारे कुछ राइडर्स की बात हुई थी, जिसके अंदर हमारे एक यूट्यूबर लोकेश शर्मा जी है, उनको भी हमने इनवाइट किया था, वो भी आए थे और उन्होंने भी अपने विचार रखे। तो अब आप जो है कुछ वीडियो क्लिप्स देखिए जो हमने इंटरव्यू के अंदर दैनिक भास्कर के सामने बयां किए थे। दिल्ली की बीटीसी वेबसाइट पर मैंने ऐड देखा कि रैपिडो आप चला सकते हैं, तो मेरे पास एक बाइक पुरानी, मैंने उसी के ऊपर जो है अपनी एक आईडी बनाई और आईडी बनाने के बाद मैं रैपिडो चलाने लगा वापस। अब हालात ये हो गए हैं कि एकदम से मुझे पता चला कि हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है बाइक टैक्सी। शुक्र मनाइए कि ये मेरे पीछे अच्छे धर्म थे कि मेरा खुद का घर है, मैं किराया नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अगर किराए पे रह रहा होता तो शायद आज के समय में मकान मालिक मेरे सर पे खड़ा हुआ होता कि आप बाहर निकलो यहाँ से, आपको जो है किराया भी, तो किराया नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कहाँ से दूंगा? बच्चों को पढ़ाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों को जहाँ से पढ़ा रहा हूँ वहाँ से निकाल के उनको भी घर पर बैठा लूँ? मैं अपने लड़के को बोलूँ जो 18 साल का होने वाला कि भाई तू भी कुछ काम कर ले, क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। आज मैं ये काम कर रहा हूँ, दिन रात काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन अब वो मेहनत भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं मेहनत करने बाहर निकलूंगा तो मेरा चालान हो जाएगा, मुझे जेल हो जाएगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं फांसी लगा लूँ क्या? कराऊंगा तो क्या माहौल है, क्या टेंशन चल रही है आजकल आपकी? सब परेशान है जी, और काम नहीं है तो परेशान है। और आगे के लिए आपने कुछ नहीं सोचा कि क्या कर सकते हैं अगर ये नहीं चलाएंगे? कुछ कर ही नहीं सकता इस उम्र में, वो 4000 का केस जाता है, थोड़ा दिक्कत सी हो रही है, घर में बीमारी रहता है और फिर कुछ खर्चे वर्चे भी निकल जाते थे घर के। थोड़ा राहत मिल जाए, स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा राहत मिल जाएगा। बस काम को ये समझ नहीं पा रहा है कि हम लोग किससे मदद मांगे। हम जो भी हमारे को पता चलता है कि वो एनजीओ है जो हमारी हेल्प कर सकता है, हम उनके पास जाते हैं।